अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में जेड जैंग को बोलती है अच्छा रहेगा तुम इस मामले में ना पढ़ो। जैंग बोलती है तुम नहीं बताने वाली हो तो मुझे पहले ही पता है इस बारे में, तुम किसी को मारने में नाकाम रही ना। जेड बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। जैंग बोलता है तुम किसे मारने की कोशिश कर रही थी, तुम तो हिडन फोर्स में हो ना। जेड बोलती है थर्ड वॉरियर आउट वेस्टर्न डेविल का, वो मेरे ऊपर 2 बार बंदूक चलाया है, अगर तुम मेरी मदद करने की कोशिश करोगे तो मुझे अपमान करके अपने ऊपर मुसीबत ले लोगे। जैंग बोलते हैं वो डेविल वॉरियर बहुत ही पागल है, वो तुम्हें खोज रहे होंगे, अच्छा रहेगा कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। जेड बोलती है तुम्हें पता है ना थर्ड वॉरियर मेरे पीछे में पड़ा हुआ है, फिर भी तुम मेरी मदद करना क्यों चाहते हो। जैंग दीवार में पंच मारते हुए बोलता है तुम्हें जानना है ना क्यों, ये लो। जीड अपने मन में बोलती है ये इतना ताकतवर कैसे हो गया। जैंग बोलते हैं हम लोग मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग ताकतवर का रेस्पेक्ट करते हैं, तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। फिर वो जेड को लेकर निकल जाता है वहां से, तभी वहां पर कुछ आदमी आ जाता है और बोलता है जेड मैंने तुम्हें देख लिया है। जैंग बोलता है लग रहा है ये लोग हमारा पीछा कर रहा है, तभी वो आदमी बोलता है अगर तुम्हें मरना नहीं है तो इसे हमारे हवाले कर दो। तभी जैंग उसे किक मार के वहां से फेंक देता है, ये देखकर वो सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कमीने कहीं के। जैंग बोलता है तुम सभी लोग एक बार ही आ जाओ। फिर वो सभी लोग जैंग पर हमला करने लगते हैं, तभी जैंग सभी को मार के फेंक देता है। फिर वो जेड का हाथ पकड़ते हुए बोलता है चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो वेन के घर में पहुंच जाता है। जैंग मास्टर वेन को देखकर बोलता है हे ब्रो तुम यहाँ पर कोई काम है क्या। जैंग बोलता है मैं मिस्टर वेन से मदद मांगने आया हूँ। जैंग मास्टर वेन बोलता है तुमने हमारा बहुत ही ज्यादा मदद किया है, अगर हम लोग तुम्हारी मदद कर पाए तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। जैंग जेट को बोलता है तुम जाकर आराम कर लो, मुझे मिस्टर वेन से कुछ बातें करनी है। फिर जेट को एक रूम दिया जाता है आराम करने के लिए। फिर जैंग वेन को बोलता है ब्रदर तुम्हें तो पता ही है ना जू फैमिली के साथ क्या हुआ है, मैं जू फैमिली के कंपनी को कब्जा करना चाहता हूँ, जू फैमिली का पाउस युडोंग सिटी में बहुत ही ज्यादा है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे हैंडल करो। मिस्टर वेन बोलता है ये आसान भी है और मुश्किल भी है। जैंग बोलता है तुम्हारा क्या मतलब। मिस्टर वेन बोलता है जू फैमिली अभी पूरा बिखर गया लेकिन सभी लोग उनके ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हालांकि हमारे फैमिली का बहुत ही ज्यादा पहुंच है युडोंग सिटी में लेकिन हम लोग भी इसे झुका नहीं पाएंगे। जैंग बोलते हैं हम लोग दोस्त है प्लीज बताओ मुझे। मिस्टर विन बोलता है तुम्हें कुछ खिलाना होगा उन लोगों को शांत करने के लिए। जैंग बोलता है मुझे कितना खिलाना होगा उन लोगों को। विन बोलते है कम से कम 30% जो फैमिली का शेयर। जैंग बोलता है इतना भी नहीं है मैं दे दूंगा उन्हें। विन बोलता है और तुम्हें 10% शेयर विन फैमिली को देना होगा, बिना दिए हुए तुम यहाँ पर बिजनेस नहीं कर पाओगे, अगर तुम हमें 10% दे है तो हम लोग तुम्हारा मदद करेंगे। जैंग बोलता है ठीक है। वेन बोलता है वेन फैमिली के ऊपर तुम्हारा कर्ज है, हम लोग 10% फ्री में नहीं लेंगे, हम 2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। जैंग बोलता है ठीक है। जैंग जेड को बोलता है थर्ड वॉरियर यहाँ पर आने का हिम्मत नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो तो तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो जैंगडोंग सिटी में चले जाना। जेड बोलती है तुम मेरा मदद क्यों कर रहे हो। जैंग बोलता है क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी लेकिन तुमने जियान को क्यों मारा था। जेड बोलती है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जैंग बोलता है मुझे पता है कि तुमने मेरी मदद की है, अगर तुम मेरे से प्यार करती हो तो मैं तुम्हें अपना दासी बना सकता हूँ। जेड जैंग को पंच मारते हुए बोलती है तुम कमीने कहीं के, मुझे पता था कि तुम्हारे इसमें कोई लाभ होगा। जैंग बोलता है तुम इतना सुंदर हो मुझे कोई और ख्याल आ ही नहीं रहा है, तो जेड तुम्हारा असली नाम क्या है। जैंग बोलता है लेकिन तुम मार्शल आर्ट वर्ल्ड से हो नहीं, बताओ मुझे तुम्हें ये सब करने के लिए किसने मजबूर किया है, उबो या फिर बेल लैंगसांग। जेड बोलती है मेरा असली नाम है सुजियाओई, मैं जैंगडोंग सिटी के पहाड़ों में पैदा हुई हूँ, मेरी माँ बहरी और मेरा पापा अंधा है, जब मैं जन्म ली वो लोग 40 साल के थे, फिर उसके बाद मेरा एक भाई हुआ लेकिन उसका जन्म होने के बाद मेरा पापा पहाड़ से गिरकर मर गया, इसके बाद मेरा माँ और भाई का जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया। जब मैं 8 साल की थी मेरा मम्मी का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहता था, उनका इलाज करने के लिए हर महीना 10,000 लग जाता था। जैंग बोलते उसके बाद तुम उसे मिली और वो तुम्हारी मदद किया ना, तुम 8 साल तक काम कर लियो उसके लिए, मुझे लगता है बस इतना काफी है, मैं उससे बात करूंगा तुम्हें छोड़ने के लिए। जेड बोलती है तुम सही में मेरी मदद करना चाहते हो। जैंग हंसते हुए बोलता है बेशक क्योंकि तुम मेरी दासी हो। तभी जेड उसे एक जोर से पंच मार देती है। जैंग बोलता है मैं सही में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लेकिन तुम्हें आगे चलकर मेरे लिए काम करना होगा, बेशक तुम पहले से बहुत ही ज्यादा फ्री हो जाओगी। जेड बोलती है तुम क्या चाहते हो मेरे से, क्या मैं तुम्हारा सेक्स पार्टनर बनूं? जैंग बोलता है मैं टैलेंट को वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, मुझे एक सेक्रेटरी चाहिए जो मेरा हर डेली रूटीन को मैनेज कर पाए, तुम्हें बहुत से ट्रेनिंग मिल ही गया है तो इसके लिए तुम एकदम काबिल हो, और रहा बात पार्टनर बनने के लिए अगर तुम चाहोगी तो कर सकते हैं हम लोग। जेड बोलती ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ लेकिन मुझे वेकेशन चाहिए हर महीने में 3 दिन। जैंग बोलता है कोई दिक्कत नहीं है तुम लंबा हॉलीडे में भी जा सकती हो। फिर वहाँ पर लीन आ जाती है और बोलती है जैंग यह है कौन। जैंग बोलता है ये मेरा सेक्रेटरी है, ये मेरे लिए काम करेगी आगे चल के। लीन बोलती है वो जेल से छूटने वाला है,
मुझे लगता है कि वो निकल के कुछ करने वाला है। जैंग बोलता है मैं पहले से सावधान हूँ। फिर कुछ ही दिन के बाद जू को जेल से छोड़ देता है। फिर वो घर में जाके सभी को बोलता है तुम सभी लोग मरने वाले थे लेकिन मैंने तुम लोगों को बचाया और एक नया जिंदगी दिया। अब समय आ गया तुम मेरी मदद करो। वो लोग बोलते हैं हाँ बताइए मास्टर क्या ऑर्डर आपका। जू बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम एक आदमी को मारो किसी भी हाल में। फिर वो जैंग का नाम बता देता है। फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। एक आदमी बोलता है एक बम तो काफी होगा उसे उड़ाने के लिए। दूसरी तरफ जैंग ब्रिज से जा रहा होता है। जैंग बोलता है गाड़ी को रोको। वो बाहर निकल के अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। वेन जैंग को बोलता है क्या हो गया गड़बड़ी है कुछ ब्रिज में क्या। जैंग बोलता है ब्रिज में बम लगा हुआ है। वेन बोलता है क्या बम कौन है इसके पीछे क्या वो पागल हो गया है क्या। फिर जैंग फैंग को फोन करके बोलता है मेरा फोन का लोकेट करो यहाँ पर कुछ टेररिस्ट है। फैंग बोलता है ठीक है ध्यान रखना। फिर वो अपने साथी लोग को बोलता है देखो जैंग के पास कोई रेडियो सिग्नल नहीं आ रहा है। वो आदमी चेक करके बोलता है हाँ यहाँ पर एक टारगेट है। दूसरी तरफ टेररिस्ट शॉक होकर एक आदमी बोलता है क्या उन लोगों को कुछ पता चल गया है क्या। दूसरा आदमी बोलता है ये तो नामुमकिन है हम लोग ये ऑपरेशन 3 घंटे पहले किया है यहाँ तक कि मास्टर भी इसे जानता नहीं है तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा। फिर उसी समय वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है और बोलता है तुम लोग वहीं पर रुक जाओ और उन पर गोली से हमला कर देता है। वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं हम लोग सरेंडर कर रहे हैं। फिर फैंग उन लोगों को कब्जे में ले लेता है और जैंग को बोलता है सभी कुछ खत्म हो गया है हम लोग उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जैंग बोलता है तुम्हें पता है ना अब क्या करना है। तभी विन जैंग को बोलता है ब्रो मुझे लगता है कि तुम कोई स्पेशल एजेंट हो मैं सही बोल रहा हूँ ना। जैंग बोलता है हाँ बोल सकते हो जो पुलिस लोग हैंडल नहीं कर पाता है वो मैं कर लेता हूँ अभी के लिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ। दूसरी तरफ फैंग उन लोगों को मारते हुए बोलता है बताओ मुझे तुम्हें किसने हायर किया है। वो आदमी बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ वो लोग है जू फैमिली। फिर फैंग जू के पास पहुंच जाता है और बोलता है जू तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि तुमने प्लानिंग किया है टेररिस्ट अटैक का तुम इस बार किसी तरह भी नहीं बच पाओगे। फिर कुछ देर के बाद फैंग मैसेज भेज देता है जैंग को कि मैंने जू को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ जैंग वो को बोलता है तुम्हें रक्षा चाहिए क्या। वो बोलता है तुम मजाक कर रहे हो ना तुम तो पहले उसके साथ सो गए हो लेकिन तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम बहुत ही मुसीबत में पड़ जाओगे वो किलर है कोई सेक्रेटरी नहीं है। जैंग बोलता है वो तुम मेरी मदद करो मुझे किसी भी हाल में बे से मिलना है। वो बोलता है ठीक है तुम इतना बोल रहे हो एक बार मैं कोशिश करूंगा बे के तरह लोग इसे जाने नहीं देंगे। जैंग वो को बोलता है रक्षा के पास बिजनेस टैलेंट है उसे मैं किसी भी हाल में अपने काम में रखूंगा। वो अपने मन में बोलता है हाँ मुझे पता है तुम क्या करोगे उसके साथ। फिर अगले दिन वो उसके पास पहुंच जाता है। बे बोलता है मास्टर वो आप मेरे लोगों को इस तरह से नहीं ले सकते हो। जैंग बोलता है मैं उसे फ्री में नहीं लूंगा तुम्हें इस तरह सैटेलाइट के बारे में पता ही है ना मैं तुम्हें उसका कुछ शेयर दूंगा। बे चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारा मतलब सैटेलाइट टाउन जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना अभी क्या तुम सीरियस हो मास्टर हो यह रक्षा इतना काबिल है। वो बोलता है बेशक नहीं लेकिन मेरा भाई उसके पैर में पड़ गया है अब मैं क्या कर सकता हूँ ये सब रहने दो पता हूँ मुझे पहले। बे बोलता है बेशक डील उसके अलावा मुझे कितना मिलेगा।